दोस्तों, क्या 1% रिजेक्शंस आपकी इंडस्ट्रीज में ओके है? शायद 1% रिजेक्शंस की बात करेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमें ये जवाब मिलता है कि 1% ही थे, इतना तो चलता ही है, इंडस्ट्रीज में हम बहुत साल से काम कर रहे हैं, इतना तो चलेगा, बेस्ट है। अभी यही क्वेश्चंस को कुछ अलग तरीके से समझते हैं। अगर 100 फ्लाइट का टेक ऑफ हो रहा है और एक फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाए तो ये 1% रिजेक्शन हुआ, इज इट एक्सेप्टेड? 100 ट्रेन चल रही है और उसमें से एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो सोचिए पूरे दिन में कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं। आप देखिए कि आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, अगर आप 100 बार ट्रैवल कर रहे हो और उसमें से एक बार आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, इज इट एक्सेप्टेबल? सो माई फ्रेंड्स, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ यू। यानी आपको 1% रिजेक्शन आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके घरेलू जीवन में कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल में 100 मरीजों का इलाज हो रहा है और वहां पे 1% रिजेक्शन आ जाए तो क्या आप इसे चला लेंगे? तो शायद हम नहीं चलाएंगे। 100 टेबलेट्स अगर आप ले रहे हैं और उसमें से एक टेबलेट जहरीली हो जाए और आपको पॉइजनस इफेक्ट देते तो ये चलेगा क्या? तो हमें नहीं चलेगा। जब वो 1% आपको नहीं चल रहा है तो आपकी इंडस्ट्रीज में जो 1% रिजेक्शन हो रहा है, हाउ कैन यू आर एबल टू एक्सेप्ट इट? तो आप उसे एक्सेप्ट क्यों कर सकते हैं? दोस्तों, ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि जो हम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ये टॉपिक में यही चीज होती है जो हमारे माइंडसेट्स को क्लियर नहीं कर पाती है। हमें चलाने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए हम 1% रिजेक्शंस को बहुत इजीली कंसिडर करते हैं और चला लेते हैं। अगर हम यही चीजों को फाइनेंशियल कंसिडरेशंस में लें तो शायद हमें पता ही नहीं है हम कितने लाखों या करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। और पैनी सेव्ड इज पैनी अर्न्ड, जितने रुपए आप बचाएंगे उतने ही रुपए आप कमाएंगे, वैसा भी कह सकते हैं। कमाने की लागत तो लगने ही वाली है दोस्तों, लेकिन जो अगर आप बचा सकते हैं और बहुत इजीली बचा सकते हैं तो आप दोनों तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, कमा के भी प्रॉफिट कर सकते हैं और बचा के भी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि आपका जो COPQ है उसका परसेंटेज रिजेक्शन पे गिना नहीं जाना चाहिए, हालांकि उसकी गिनती आपके वैल्यू के साथ होनी चाहिए। और ये कैसे किया जाता है, इसे किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है और ये किस तरह से मापी जाती है और इसकी बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से इसे हम मेजर कर सकते हैं और किस तरह से पैसे बचा सकते हैं, तो ये सेशंस में हम देखेंगे कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, 1-10-100 रूल्स क्या है और किस तरह से हम ये डिफेक्ट्स को कम पैसे में निपटा सकते हैं और बहुत सारे पैसे को बचा सकते हैं या हम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। सो क्वालिटी कॉस्ट आर डिफाइंड एज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विथ नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एज रिक्वेस्टेड बाई द कस्टमर्स, एज एक्सपेक्टेड बाई द कस्टमर्स। यानी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं बनी है, उसके लिए जो भी खर्चा लगेगा वो जो चीज आएगी वो है कॉस्ट ऑफ वो जो चीज आएगी वो है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। यानी अगर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी दोनों को मिलाएंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वहां पे बन जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हैं तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आपका डिजाइन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, सेल्स, ये सारी जगह पे आएगा। और अगर आप सर्विस इंडस्ट्रीज में हैं तो आप सर्विस को डिलीवर नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में जो भी आएगा वो भी आपका कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में ही गिना जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1-10-100 का जो रूल है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का, वो क्या कहता है? तो जो प्रिवेंशन है वो यहाँ पे 1 होता है, करेक्शंस है उसकी कॉस्ट है 10 और फेलियर का जो कॉस्ट है उसकी कॉस्ट है 100। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक शॉप में जाते हैं और आप एक शर्ट खरीद रहे हैं, शर्ट के ऊपर सारा शर्ट बहुत अच्छा है लेकिन शर्ट के ऊपर एक बटन नहीं है, तो बटन ना होने की वजह से वो दुकानदार आपको कहता है कि साहब थोड़े पैसे आप कम दे दीजिएगा, वैसे ये 1000 रुपए का शर्ट है लेकिन एक बटन टूटा हुआ है तो आप इसका कम पैसे दे दीजिएगा। तो आप कितने रुपए कम देंगे? तो हो सकता है शायद आप 20 रुपए कम दे दें। यानी ये क्या हुआ, अभी आप वाकई में देखिए, अगर ये बटन लगा हुआ होता तो बटन लगाने की कॉस्ट क्या थी, या उसको चेक करते थे, चेक करके भेजा होगा तो उसकी कॉस्ट क्या थी? तो मान लीजिए पहले तो प्रिवेंशन था कि ऐसा चेक ऐसा जाना ही नहीं चाहिए, तो ये जो कॉस्ट थी वो शायद 2 रुपए हो सकती है, लेकिन करेक्शन की जो कॉस्ट है वो शायद यहाँ पे 20 रुपए आ जाएगी और शायद हो सकता है कि आप 200 रुपए उसको कट करके दे दें। यानी जो फेलियर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आएगी, करेक्शन कॉस्ट है वो उससे थोड़ी कम होगी और प्रिवेंशन कॉस्ट सबसे कम हो जाएगी। यानी सबसे बेहतरीन चीज है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से गलत प्रोडक्ट निकले ही नहीं, और ये करने के लिए आपके पास आप जो भी करना चाहें
उसके ऊपर बात करें तो हम आइडियलिस्टिकली जीरो डिफेक्ट्स के ऊपर बात करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसके क्लोज जा सकते हैं। जो सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट है वही, वो भी इसी के बारे में बात कर रहा है। सो क्वालिटी इज फ्री, इट इज नॉट अ गिफ्ट बट इट इज फ्री। व्हाट कॉस्ट मनी आर अनक्वालिफाइंग थिंग्स, ऑल एक्शंस दैट इन्वॉल्व नॉट डूइंग द जॉब राइट द फर्स्ट टाइम, मेक इट राइट, मेक इट फर्स्ट टाइम, ये जो रूल है इसे आप समझिएगा कि आपका प्रोडक्ट में प्रिवेंशन है वो ₹1 का ही कॉस्ट लेगा, जबकि करेक्शन है वो 10 times कॉस्ट लेगा, और जो फेलियर है वो 100 times कॉस्ट आपके पास डिमांड करेगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट रादर देन हैव अ फेलियर्स और एक्शन कॉस्ट। अगर आप ये चीजों को समझेंगे तो क्वालिटी कॉस्ट एक हिडन कॉस्ट रहती है जो हम कभी भी मैप नहीं करते हैं। अगर हम प्रिवेंट प्रॉब्लम को प्रिवेंट करते हैं, मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदारी रहती है, तो ये चीज हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आमतौर पर एक सर्वे में देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो टोटल कॉस्टिंग आती है उसमें से 25% कॉस्ट है वो आपकी जो प्रिवेंशन की जो पुअर क्वालिटी है उसकी वजह से होती है। और आपके पास यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो सर्विस इंडस्ट्रीज में ये जो कॉस्ट है वो 35% के आसपास आती है। यानी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में 25 और सर्विस इंडस्ट्रीज में 35% कॉस्ट कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से डिलीवर करें तो ये दोस्तों इसे गौर से समझिएगा कि क्वालिटी कॉस्ट क्या है और इसे किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्यों गिननी चाहिए दोस्तों? अगर आप देखेंगे मिडल मैनेजमेंट, फ्रंटलाइन ऑपरेटर और टॉप मैनेजमेंट, सो आमतौर पे हमारा 21 से 31 साल का कैरियर ये कह रहा है कि मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो है वो बात करता है पैसों की, जबकि मिडल मैनेजमेंट और उसके बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं वो बात करते हैं नंबर्स में। जैसे आज 2 piece फेल हो गए हैं, हमने 3% सेविंग किया है, ये ऐसी बातें शॉप फ्लोर पे होती रहती है। लेकिन अगर आप टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो वो ये हमेशा कहते हैं कि ये साल हमने इतना पैसा बचाया, हमने इतना प्रॉफिट करवाया है, हम इतना पैसा कहीं पे गवा रहे हैं। सो टॉप मैनेजमेंट ऑलवेज टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ मनी। सो इफ यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग द COPQ इन मॉनिटरी टर्म्स एंड कोरिलेट विद द बैलेंस शीट, देन द मैनेजमेंट विल स्टार्ट गिविंग मोर अटेंशन टू दिस प्रोजेक्ट। अगर आपका COPQ है तो COPQ के हिसाब से आपका मॉनिटरिंग प्रैक्टिसेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्वालिटी कॉस्ट के लिए सबसे पहला टू प्रोवाइड इनिशियल असेसमेंट, और ये असेसमेंट करके आपको पता चलेगा कि कितना कॉस्ट है और कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सेकंड जो चीजें हैं, आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट के इनिशिएटिव्स को मॉनिटर कर सकते हैं, और इसको इफेक्टिव बनाने में भी टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट और बाकी के सारे लोगों की सिंसियरिटी यहाँ पे आ जाएगी। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इन परसेंटेज, व्हेन वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग इन प्रॉफिट और विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टर्नओवर, तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा दिखता है। जैसे एक वाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमने देखा तो हम उनको पूछते थे कि कितना रिजेक्शंस आया, एंड दैट नॉर्मल आंसर इज 2% रिजेक्शंस है। जब ये 2% रिजेक्शंस को गिना गया तो उसकी कॉस्ट करीबन 28 लाख रुपए थी। अगर ये कंपनी का 10% प्रॉफिट पकड़े तो 3 crore रुपए का करीबन ज्यादा टर्नओवर करना पड़ेगा ये लॉसेस को रिकवर करने के लिए, विच इज वेरी हार्ड। जबकि 28 लाख रुपए की यही प्रोडक्ट का डिफेक्ट्स को निगोशिएट करके, ये प्रोडक्ट को प्रिवेंट करके हम 28 लाख का प्रॉफिट ज्यादा कर ही सकते हैं। और ये चीज जब मैनेजमेंट गिन लेता है बैलेंस शीट के साथ, तो आपके यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में सिंसियरिटी बहुत ही बढ़ जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू मैप द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के 3 parts आते हैं, एक है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, एक है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, और एक है कॉस्ट ऑफ लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर एक चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेशन यानी ये फर्दर डिवाइड होता है 2 parts में, प्रिवेंशन कॉस्ट है और अप्रेजल कॉस्ट है। सो प्रिवेंशन कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट इन ऑफर ड्यूरिंग प्रोडक्ट डिजाइन। अगर आपको ऐसी डिजाइन बन रहा है जहां पे आप प्रिवेंशन के लिए कॉस्ट दे रहे हैं ताकि डिफेक्ट ना आए, उसमें रिजेक्शन ना आए, तो वो जो कॉस्ट है, जैसे जिग्स बनाना, फिक्स्चर्स बनाना, आपके पैटर्न बनाना वगैरह जो कॉस्ट है वो है प्रिवेंशन कॉस्ट। एक है अप्राइजल कॉस्ट। अप्राइजल कॉस्ट है यानी कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, कॉस्ट ऑफ मेजरिंग, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग और एनालिसिंग। तो ये जो चीजें हैं वो अप्राइजल कॉस्ट में गिनी जाएगी। एक आती है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस यानी जो प्रोडक्ट बननी चाहिए थी वैसी प्रोडक्ट नहीं बनी, तो क्या होगा? तो आपके इंटरनल फेलियर्स आएंगे या एक्सटर्नल फेलियर्स आएंगे। तो जो इंटरनल फेलियर्स हैं वो है आपका इनहाउस रिजेक्शन, इनहाउस स्क्रैप, इनहाउस रीवर्क या रिसाइकल करके उसको यूज करना। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ इंटरनल फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की बात करेंगे तो वो है कंप्लेंट, रिटर्न, वारंटी क्लेम्स, लायबिलिटी,
ट्रांसपोर्टेशन या वापस रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो आएगी वो सारी चीज जो है वो एक्सटर्नल फेलियर में आएगी। और यहाँ पे तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। ये क्या है दोस्तों, तो इसे थोड़ा सा समझते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी दो तरह से होती है, एक तो डायरेक्ट होती है एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट यानी ये है कि आपकी प्रोडक्ट कहीं पे फेल हो गई जिसकी वजह से आपके कस्टमर आपके पास जितनी क्वांटिटी में मटेरियल लेते थे उसकी जगह उन्होंने थोड़ी क्वांटिटी कम कर दी और आपका सेल्स का कॉस्ट, सेल्स का जो टर्नओवर है वो कस्टमर के साथ कम हो गया। यानी कि वो जितना टर्नओवर आपके पास लेने वाले थे, करने वाले थे, या जितनी प्रोडक्ट आप देने वाले थे उससे वो कम अभी प्रोडक्ट आपके पास ले रही है। ये जो कॉस्ट है ये डायरेक्ट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी में गिनी जाएगी। अगर यही चीज इनडायरेक्ट में आएगी तो इसे इस तरह से आएगा कि ये कस्टमर ने दूसरे किसी बंदे को, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स को ऐसा बताया कि साहब आप इनके पास मत लीजिएगा, इसका प्रोडक्ट क्वालिटी बराबर नहीं आता है और इसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट फाइनल होने वाला था, इसकी वजह से आपका मटेरियल कहीं पे डील होने वाली थी, आपका सेल्स होने वाला था, वो सेल्स नहीं हुआ या फिर बहुत ही अलग तरीके से डील हुआ, कुछ कम क्वांटिटी में डील हुई। ये जो लॉस है वो है आपका इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्राइजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट और इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ये सारी चीजों को मिलाया जाए तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ये जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है इसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि ये किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है, इसको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन में लेके जाएंगे। लेकिन पहली चीज है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ये जितने भी फैक्टर्स है ये फैक्टर्स आपको मेजर करने पड़ेंगे और ये मेजर करके आप बैलेंस शीट में कन्वर्टेड टू द मनी एंड शोकेसेस टू द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के अगर आप टीम मेंबर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीजों को आप यहाँ पे अपडेट करें इन टर्म्स ऑफ मनी और लोगों को बताएं कि यहाँ पे इतने पैसे हम गवा रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर आप यहाँ पे गिनेंगे, अपॉर्चुनिटी लॉस जो आपके पास है वो गिनेंगे, इट इज एग्जॉर्बिटेंट, आप सोच नहीं सकते हैं उतना ज्यादा लॉस यहाँ पे होता होगा। कभी गिन के देखिएगा और आपको ऐसा लगेगा कि जितना मेहनत हम सेल्स के लिए कर रहे हैं उसमें से अगर 10% मेहनत यहाँ पे अगर हम करते हैं तो शायद हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को इम्प्रूव करके उतना प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे व्हाट यू हैव सेव्ड इज व्हाट यू हैव अर्न, यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बिफोर क्वालिटी कॉस्ट अलाइनमेंट ये आपकी कॉस्ट थी, प्रिवेंशन कॉस्ट था, अप्राइजल कॉस्ट है, रिपेयर कॉस्ट है, फेलियर कॉस्ट है। यहाँ पे मैंने एक कॉस्ट तो गिना ही नहीं है कि जो आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती है वो मैंने नहीं गिनी है। अगर आप इसे कम करेंगे तो आपका प्रिवेंशन कॉस्ट कम हो जाएगा, अप्रेजल कॉस्ट कम हो जाएगा, रिपेयर कॉस्ट कम हो जाएगा, फेलियर कॉस्ट कम हो जाएगा और आपको बीच में जो मिला वो बेनिफिट है। ये जो चीज है इसे समझना बहुत जरूरी है। ये जो पैसे बचे हैं ये पैसे आप कस्टमर को ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको इतना वेवर दे सकते हैं और उसके साथ आप ज्यादा सेल्स कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों पैनी सेव्ड इज पैनी अर्न। How to improvise cost of poor quality? उसके कुछ step by step guideline देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मैंने कुछ एक point रखे हैं जो आपके COP को improve करने में मदद रूप होंगे। First, start collecting the data. आपको analysis करनी होगी कि आपकी कौन सी product, कौन सी process में कहाँ से सबसे ज्यादा rejections आ रहा है। वो design से हो रहा है, वो आपके drawing से हो रहा है, आपके first machining से हो रहा है, second process से हो रहा है या fifth process से हो रहा है, packing से हो रहा है या आप इरेक्शंस करके आते हैं वहां से हो रहा है। तो पहली चीज है आपके यहाँ पे आपके पास डेटा कलेक्शंस होना चाहिए। सेकंड पार्ट जो है यू आर जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड मेजर व्हाट इज नॉट वर्किंग एंड व्हाई वी आर जनरेटिंग पुअर क्वालिटी। तो उसका कॉज क्या है, इसके लिए अलग अलग टूल को आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं जैसे प्रोसेस FMEA है, इसके साथ साथ आप POKAYOKE कर सकते हैं, इसके साथ साथ वन पॉइंट लेसन है या क्वालिटी सर्कल का फॉर्मेशन करके भी ये चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे मूल रीजन ये है, ये सारे टूल आपको मदद रूप होंगे इम्प्लीमेंटेशन करने में, जबकि ये चीजों को इम्प्लीमेंटेशन में आपके पास जो सोर्स है वो पता चलना चाहिए। जैसे डेटा कलेक्शन करते हैं और स्ट्रेटिफिकेशन जैसे टूल का यूज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज बनी हुई है जिसकी वजह से आप वो डिफेक्ट को निकाल सकते हैं या जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसे आप इलिमिनेट कर सकते हैं। जो कंसर्न है हमारे पास वो डेटा कलेक्शन है, हमारे पास सही डेटा नहीं होते हैं, सही ऑब्जर्वेशन भी नहीं करते हैं या हम अपने ओपिनियन के ऊपर डिसीजन लेते हैं जो शायद काफी टाइम काम आता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे करना ये है
कि पहले डेटा कलेक्ट कीजिए, प्रोडक्ट वाइज, प्रोसेस वाइज, डिफेक्ट वाइज और बहुत सारी तरह से इसे एनालाइज कीजिए, स्ट्रेटिफिकेशन का टूल यूज कीजिए, और ये सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए पोकायो का यूज कर सकते हैं, वर्कर ऑपरेटर को ट्रेनिंग दे सकते हैं, वन पॉइंट लेसन क्रिएट कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे टूल है जैसे कि FME, उसको इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं।